Assalamu alaikum viewers, myself Sayyida Tayyiba Bukhari and welcome to my channel. Viewers, today's our topic of discussion is folic acid, जिसे हम vitamin B9 या folacin भी बोलते हैं. Viewers, vitamin B9 या folic acid की deficiency बहुत common होती है. ज़्यादातर जब औरतों में इसकी कमी हो जाती है तो इसकी वजह से उन्हें anemia हो जाता है, जिसको हम खून की कमी भी बोलते हैं. और ये डेफिशिएंसी प्रेग्नेंट औरतों में भी बहुत कॉमन होती है. और अगर ये डेफिशिएंसी उनमें हो जाए तो इसकी वजह से माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको एनेंसेफली हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चे के दिमाग और सर की डेवलपमेंट सही से नहीं होती. और इसके अलावा बच्चे में स्पाइना बाइफिडा भी हो सकता है, जिसकी वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी की फोल्डिंग सही से नहीं हो सकती है. स्पाइना बाइफिडा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, जिसको NTD भी बोलते हैं. इट कैन हैपन एवरीवेयर अलोंग द स्पाइन इफ द न्यूरल ट्यूब डज नॉट क्लोज ऑल द वे. व्यूअर्स, फॉलिक एसिड या वाइटामिन B9 की टॉक्सिसिटी, मतलब ज्यादती की सूरत में अब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, सीजर जैसे सिम्टम्स शो होते हैं. इन केस ऑफ सच सिम्टम्स यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर इमिडिएटली. व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड क्वेश्चंस, फील फ्री टू सजेस्ट और आस्क इन कमेंट सेक्शन बिलो. अल्लाह हाफिज़. स्टे ट्यून्ड. स्टे ब्लेस्ड.